किसान भाइयों, खेती में प्रति इकाई उत्पादन लागत घटाने और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्हीं में एक है रनिंग क्रॉपिंग सिस्टम या बहुफसली खेती, और ख़ास तौर से सब्जियों और फूलों फलों की खेती में यह काफ़ी कारगर साबित हो रही है। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कादीपुर विकास क्षेत्र पिंडरा जनपद वाराणसी के राजेश कुमार पटेल से इस वृत्तचित्र के माध्यम से, जो विगत कई वर्षों से रनिंग क्रॉप पैटर्न को अपनाए हुए हैं और विभिन्न सब्जी फसलों की एक साथ खेती करके अच्छा मुनाफा कमाते हैं। तो आइए मिलते हैं राजेश कुमार पटेल से इस वृत्तचित्र के माध्यम से। आज के खुली अर्थव्यवस्था के दौर में खेती के व्यवसायीकरण की ओर ध्यान देना जरूरी हो गया है। कृषि आधारित भारतीय ग्राम समाज में भी नए दौर की धमक सुनी और देखी जा रही है। बढ़ती हुई आबादी को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराना एक चुनौती है, और देश के किसान इस चुनौती का सामना करने के लिए अनवरत प्रयास कर रहे हैं। पारंपरिक खेती से आज के दौर में कुछ भी होने की संभावना नहीं है, इसलिए खेती में नए विचारों का समावेश जरूरी है। कृषि वैज्ञानिकों के सुझावों के अनुरूप खेती में निरंतर बदलाव हो रहा है, नई तकनीकों एवं प्रणालियों को अपनाया जा रहा है। नई कृषि तकनीक एवं प्रणाली के बदौलत कृषि उत्पादन में वृद्धि के प्रयास हो रहे हैं, और इन प्रयासों का लाभ देश और देश के किसानों को मिल रहा है। खेती में प्रति इकाई उत्पादन बढ़ाने के लिए नवाचारों एवं नई तकनीकों की अहम भूमिका है। बड़ी संख्या में किसान नवाचारों को अपना रहे हैं। छोटी जोत के चलते परंपरागत अनाजों की खेती के स्थान पर नकदी फसलों जैसे सब्जी, फल, फूल आदि की खेती से ज़्यादा लाभ होने की संभावना रहती है। विशेष रूप से सब्जी फसलों की खेती में नई प्रणालियों एवं कृषि नवाचारों के चलते बेहतर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। बहुफसली या रनिंग क्रॉपिंग सिस्टम यानी एक साथ कई सब्जी फसलों की खेती एक ऐसा ही कृषि नवाचार है जो किसानों की आर्थिक समृद्धि और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करता है। वाराणसी जनपद के विकास क्षेत्र पिंडरा के ग्राम कादीपुर के प्रगतिशील किसान राजेश कुमार पटेल ने बहुफसली अर्थात रनिंग क्रॉपिंग सिस्टम को अपनाया, और आज उनको इस नवाचार का लाभ भी मिल रहा है। राजेश कुमार पटेल अपने पास उपलब्ध भूमि पर विभिन्न सब्जी फसलों की खेती एक साथ करते हैं। गोभी, मूली, मिर्च सहित विभिन्न मौसमी सब्जियों की खेती से उन्हें मुनाफे के बारे में कोई चिंता नहीं रहती है, क्योंकि बहुफसली प्रणाली के अंतर्गत लगाई गई सभी फसलें एक साथ संभावनाओं पर पानी नहीं फेर सकती हैं। बहुफसली प्रणाली में जहां प्रति इकाई उत्पादन लागत में कमी आती है,
वहीं उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। यदि एक फसल पर मौसम की मार पड़ती है तो दूसरी फसल किसानों को सहारा देती है, उनका संबल बन जाती है, अर्थात एक फसल की भरपाई दूसरी फसल से हो जाती है और साथ ही अलग अलग अवस्था में लगाई गई फसल बाजार की मांग को पूरा करने में और अच्छा लाभ देने में भी सक्षम होती है। सब्जियों की खेती में किसान भाइयों आजकल बहुत ही उतार चढ़ाव रहता है, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत से किसान भाई हमारे जो हैं एक ही प्लॉट में विभिन्न प्रकार की सब्जियां एक साथ उनकी खेती करते हैं। उससे जहां उनको मार्केट के प्रभाव से वो बचते हैं, वहीं सब्जियों का उचित मूल्य उनको प्राप्त होता रहता है। विपणन में इस व्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान है। यदि आपको मार्केट में विपणन के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो जाए तो बहु किस्म की जो सब्जियां हैं अगर उनको एक प्लॉट पर आप लगाते हैं तो समय समय पर जैसा मार्केट का उतार चढ़ाव हो, भाव हो, आप उन सब्जियों का विपणन किसान भाई कर सकते हैं। ऐसे में किसी एक फसल की अगर लागत अच्छी नहीं मिल रही है तो आप दूसरी फसल को अपने खेत से तैयार करके और उसको जो है विपणन के लिए ले जा सकते हैं। दूसरा लाभ ये है कि आपको हर समय मार्केट में सब्जियां सप्लाई करते रहने की एक सुनिश्चित व्यवस्था मिलती है कि आप अपनी सब्जियों को हर समय बाजार में ले जाके उनका उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। तो कभी कभी एक फसल से दूसरी फसल के बीच में जो समय अवधि होती है, गैप हो जाती है, उसमें किसान भाइयों को जो उचित विपणन का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके की अगर आप रनिंग खेती कर रहे हैं, एक के बाद एक सब्जियां निकल रही हैं, तो आपको लगातार आय हर समय होती रहती है और मंडी पर भी आपकी पकड़ बनी रहती है। तो ऐसे किसान भाई समय के अनुरूप एक जैसी बहुत सी सब्जियां एक साथ कर सकते हैं और साथ ही रनिंग क्रॉप के रूप में भी खेती करके इसका बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। राजेश कुमार पटेल फिलहाल गोभी और मिर्च की खेती कर रहे हैं। इसके अलावा मूली और पालक की खेती भी छोटे छोटे टुकड़ों में कर रहे हैं। एक साथ विभिन्न सब्जी फसलों की खेती जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर करने से उन्हें अच्छा लाभ हो जाता है। एक साथ कई फसलों की खेती से जहां राजेश कुमार पटेल प्रति इकाई उत्पादन लागत को कम करने में सफल हुए हैं, वहीं प्रति इकाई उत्पादन बढ़ाने में भी उन्हें कामयाबी मिली। मेरी गोभी खेती 5 साल से करते करीब हर करीब 7 बिस्सा 6 बिस्सा 7 बिस्सा लगा हर साल। जहाँ से हमने बीज लिया लाए हैं, जहाँ से वो जिसके पास लाए जिससे वहीं बोला भी आप लाइन से लाइन लगाएंगे पौधा तो आपको बढ़िया फायदा भी होगा और लाइन की दूरी कम से कम एक पौधे से पौधे की दूरी 12 इंची और मेड़ की दूरी 16 इंची रहेंगी। इसी हिसाब से हम लोग लगाते हैं। लगाने पर हम लोग दवा छिड़कने में सुविधा होती है, निराने गोड़ने में भी सुविधा होती है, दवा वा छिड़कने में पानी वानी मान लीजिए भरने में भी मेड़ और बनाने में ठीक है, मेड़ की मेड़ होता है, मेड़ से मेड़ पानी जाता है। सब्जी फसल की खेती में विभिन्न सस्य क्रियाओं का बहुत महत्व होता है। फसल की निराई गुड़ाई खरपतवार नियंत्रण से भी अच्छी उपज प्राप्त होती है। राजेश कुमार पटेल अपनी गोभी मिर्च की फसल में कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार सस्य क्रियाएं करते हैं। हम लोग किसान गोष्ठी में जाल डाला हर 4 महीने पर 2 महीने पर लगाला हर जगह वहाँ जाल डाला वहाँ से खेती के विषय में आवलन सब बाहर से आवलन वैज्ञानिक टाइप में सब विकास भवन से इसे आवलन कृषि विभाग से आवलन सब वो सब बतावलन कि खेती कैसे करे के चाहिए, कब बोवक चाहिए, कब गेहूँ मतलब कब जुताई करे के चाहिए, कब खाद डाले के चाहिए, कब बीज मतलब को डाले के चाहिए, कब दवा छिड़के के चाहिए, कब पानी देवे के चाहिए। यही हिसाब से जैसे वो सब बतावलन है वही हिसाब से हम लोग कह देना तो मतलब बढ़िया होला, अच्छा भी फूल पैदा होला, रोग नहीं लगत, उनके हिसाब से दवा छिड़को उनके राय से
तो अच्छा अच्छा दवा भी आवाला मिलेला मार्केट में, उन लोग को आवाला वह मिलेला हम लोग के टीवी में भी आवाला, बाजा में रेडियो में भी आवाला, कृषि दर्शन में वो भी सुन के देखा जला सुनल जला, तो उसे भी मालूम अनुभव वाला हम लोग के, तो यही सब से मिला के तो हम लोग खेती कर गला। सब्जी फसलों में उर्वरकों का प्रयोग संस्तुत मात्रा में ही करना लाभदायक होता है। फसल का सही ढंग से पोषण करने पर गुणवत्ता युक्त उपज प्राप्त होती है। हम खाद डालीला हर तीन दिशा में, यूरिया डाई पोटास, फिर उसको जोतवा के बढ़िया से जोताई के बाद फिर लगा जाए पौधा, जो पौधा विकास जल्दी करे, उसमें तो खर पतवार बाद में न लग पावे, उसे कोई गोड़ाई निराई समय समय पर देवल जला, पानी भी देवल जाए समय समय पर। सब्जी फसलों में रोगों एवं कीड़ों का प्रकोप भी कुछ ज्यादा होता है। अंधाधुंध रासायनिक दवाओं के प्रयोग के बजाय संस्तुत मात्रा में ही कृषि रक्षा रसायनों का प्रयोग करना बेहतर माना जाता है। गुणवत्ता युक्त उत्पाद के लिए रासायनिक दवाओं के प्रयोग में किफायत बरतनी चाहिए। राजेश कुमार पटेल विभिन्न सब्जी फसलों में कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार कृषि रक्षा रसायनों का प्रयोग करते हैं, साथ ही फसल रक्षा के गैर रासायनिक उत्पादों का प्रयोग करते हैं, जिससे उनके उत्पाद गुणवत्ता युक्त होते हैं। राजेश कुमार पटेल मुख्य रूप से गोभी और मिर्च की खेती रबी सीजन में करते हैं। जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर गोभी मिर्च की खेती से उन्हें अच्छी आमदनी हो जाती है। मूली और पालक की थोड़ी सी खेती उनके आय में वृद्धि ही करती है। सात बिस्सा में हमारे कम से कम 35,000 रुपया बचेला, खर्च कटले के बाद 35,000 रुपया हमारा बचेला। रनिंग क्रॉपिंग सिस्टम या बहुफसली कृषि प्रणाली छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। खेती में इस नए विचार ने खेती को एक मुनाफे का सौदा बना दिया है। राजेश कुमार पटेल की सफलता से यह साबित होता है, यदि कृषि नवाचारों और नई कृषि प्रणालियों को अपनाया जाए तो नकदी फसल के रूप में सब्जी फसलों की खेती कर अच्छा मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। राजेश कुमार पटेल से प्रेरित होकर क्षेत्र के दूसरे किसान भी नई कृषि प्रणाली को तेजी से अपना रहे हैं। किसान भाइयों, ये बात रही बहुफसली सब्जी फसलों की खेती के बारे में, और
अब बात करते हैं ग्लैडुलस फूल की। जो भी किसान भाई हमारे खेती किए हुए हैं वो इस समय सामयिक कार्य क्या करें, क्योंकि बुआई खत्म हो चुकी है और विभिन्न अवस्थाओं की ग्लैडुलस की फसल आपके खेत में मौजूद है और उस फसल में इस समय सामयिक कार्य, सामयिक प्रबंधन, देखभाल का काफ़ी महत्व होता है। तो ग्लैडुलस की खेती में फसल में सामयिक कार्य के तहत इस समय क्या क्या कार्य करें और क्या सावधानियां बरतें, इस बारे में बातचीत करने और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं उद्यान विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह। तो डॉक्टर साहब, जैसा मैं अभी कह रहा था ग्लैडुलस की विभिन्न अवस्थाओं की जो फसल है वो खेत में खड़ी है, तो हमारे किसान भाई जो भी ग्लैडुलस फूल की खेती कर रहे हैं वो इस समय सामयिक कार्य के तहत पहला कार्य क्या करें? देखिए, ग्लैडुलस की खेती जो किसान भाई हमारे कर रहे हैं वो पहला तो ध्यान ये दें कि सिंचाई का ध्यान दें। वो सिंचाई में ये ध्यान दें कि वानस्पतिक वृद्धि सही ढंग से हो, कम से कम 5-6 सिंचाई मौसम के हिसाब से देना चाहिए। पहला सिंचाई के समय ये भी ध्यान देना चाहिए कि जब ग्लैडुलस का पौधा खेत में 3 पत्ती का हो जाए, 3 पत्ती से लेकर के 7 पत्ती तक के बीच का जो समय होता है उसमें पानी की विशेष आवश्यकता पड़ती है। उस समय नमी बनी रहनी चाहिए, इसका किसान भाई ध्यान दें। अच्छा, वो सिंचाई मतलब किस मात्रा में करें? होता ना कि थोड़ी हल्की करें या जो मेड़ लगाए हैं उसको पूरा डुबा दें, क्योंकि सोचते हैं एक बार डुबा तो लंबे समय तक चले। मेड़ लगा के नहीं, मेड़ लगा के पूरा डुबाने की जरूरत नहीं है। इतना आप जान लें कि सिंचाई जो भी किसी को भी उससे कभी नमी हो जाए, इतना ज़्यादा ना हो कि गड़बड़ हो जाए। ज़्यादा नमी होने को नुकसान होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक समस्या और आती है इस समय खरपतवार की। जी, तो खरपतवार के नियंत्रण के लिए जो भी ग्लैडुलस किसान हैं वो क्या उपाय करें? खरपतवार नाशियों का प्रयोग करें या कोई मैकेनिक या मैनुअल हाथ से निकालने की प्रक्रिया करें? देखिए, पहली निराई तो बुआई के 20 दिन बाद पहली निराई करनी चाहिए। इसके बाद 2-3 निराई इनको, और निराई मैनुअल करने से एक फ़ायदा ये होता है निराई गुड़ाई करने से कि एयरेशन हो जाता है, ऑक्सीजन मिलता है, जो पौधे की वृद्धि के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वानस्पतिक वृद्धि कार्म का भी और पौधे का भी, दोनों का बहुत अच्छा होता है। अच्छा, तो मैनुअली ही करें, हाथ से ही निराई गुड़ाई करके पहले वो नियंत्रण कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, फसल बढ़वार पर है और आने वाले दिनों में चूंकि अच्छे उसमें स्पाइड्स मिले, फूल अच्छे आएँ, स्वस्थ हो, गुणवत्ता युक्त फूल हो, इसके लिए पोषण प्रबंधन का भी बहुत महत्व होता है। तो अब खड़ी फसल में पोषण प्रबंधन किस तरह से करें, किन तत्वों का प्रयोग करें और कब कब करें? ये अधिक खाद चाहने वाली ये फसल है, कार्बनिक मतलब होना चाहिए, क्योंकि किसान भाई ये ध्यान दें कि उनको स्पाइक से, फूल से तो लाभ मिलता ही है, इसका कार्बन भी महंगा बिकता है जी। और जो बीज के काम में आता है, तो हमको दोनों का ध्यान देना होगा कि कार्बन की बढ़वार अच्छी हो और फूल भी हमारा अच्छा आवे। इसके लिए हमको ये ध्यान देना चाहिए, सड़ी हुई गोबर की खाद कम से कम 25-30 टन तक जो है एक हेक्टेयर में खेत की तैयारी के समय में ही इनको डाल देना चाहिए। लेकिन अब क्या करें? अब इस समय जो है आप ध्यान दें कि 60 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 60 किलो 40 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें देना चाहिए। नाइट्रोजन बाकी चीज़ तो उसी समय डाल देते हैं, नाइट्रोजन जो है इसकी आधी मात्रा ये 20-25 दिन के बाद, पहले मतलब निराई के बाद तब देना चाहिए खड़ी फसल जी। अच्छा, ज्यादा नाइट्रोजन देने से वानस्पतिक वृद्धि अधिक हो जाती है और फ्लावर कर जाएगा, फ्लावर कम हो जाएगा और कार्म भी जो बीज है वो भी नुकसान उसको भी होगा जी। अच्छा, इसके अलावा कुछ वो सूक्ष्म तत्वों का भी प्रयोग ग्लैडुलस की खेती में करना चाहिए क्या? सूक्ष्म तत्व गोबर की खाद जो आप सड़ी हुई दे रहे हैं उससे हो जा रहा है? हाँ, अगर टेस्ट आप कमर्शियल कर रहे हैं तो पहले तो टेस्ट कर लेना चाहिए, अगर टेस्ट में कोई कमी आए तो उसको डाला जा सकता है। मतलब मिट्टी की जांच कराने के बाद ही देना चाहिए, न कि ऐसे ही सुनी सुनाई बातों पर किसी भी उर्वरक का या पोषण तत्व का प्रयोग करें। अच्छा डॉक्टर साहब, फसल खड़ी है, मौसम बदली है, धूप है और हो सक कोहरा है, बारिश भी हो सकती है, तो ऐसे में ये रोगों और कीड़ों के प्रकोप के लिए किसी भी फसल में काफ़ी अनुकूल होता है। तो ग्लैडुलस की फसल में इस समय इस मौसम में कौन से रोग लग सकते हैं या कौन कीड़े लग सकते हैं? इसमें मेन जो है एफिड है, ये लगते हैं, तो इसके बचाव के लिए किसान भाई ध्यान दें 0.1% मेलाथियान का छिड़काव करें। चूर्ण का या
0.1% एक ग्राम एक लीटर पानी, एक ग्राम मेलाथियन एक लीटर पानी में घोल करके। अच्छा, ये दर रखते जी। दूसरा जो है थ्रिप्स लगता है, थ्रिप्स अगर लगे तो इसमें ध्यान देना चाहिए, ये एफिड, एफिड के बाद ये थ्रिप्स का ध्यान दें। इसमें आपका एक ग्राम .1% मोनोक्रोटोफास, इसका जो है एक ग्राम मोनोक्रोटोफास एक लीटर पानी जी, जी जी। और इसके अलावा इसमें कटवर्म लगते हैं, इसके लिए जो है आप मेटासिस्टार 0.1% का छिड़काव करें। अच्छा। रोग जो है इसमें मेन जो है बोट्राइटिस कार्मराट, बोट्राइटिस कार्मराट में ये होता है कि अगर 13 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे टेम्परेचर है तो इसका कार्म जो होता है स्पंजी हो जाता है। अच्छा। और अगर खेत में लग रहा है तो पत्ती जो होती है इसकी ये नीचे की पत्ती जो है सतह पीली पड़ जाती है, पीले रंग के भूरे धब्बे बनते हैं। अच्छा। हाँ। तो इसके तो लिए लक्षण है, पत्तियों पर धब्बा आ जाए तो समझ ले कि लग रहा है। हाँ हाँ, इसके लिए 0.2% डाइथेनियम 45 का 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करें, एक सप्ताह में दो बार। अच्छा, सप्ताह में दो बार दो, करते हैं। दो बार। तो ये रोग और कीड़े ये सब ये बच जाते हैं। इसके बाद जो है फ्यूजेरियम कार्बोराट है, इसमें ये होता है कि ये पौधा जो है छोटा बौना हो जाता है, पत्तियाँ और तने जो है टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो इसके लिए ध्यान ये देना चाहिए कि बुआई के समय आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर बॉयल पानी में आधे घंटे इसको जो है ट्रीट करिए कार्म को, और इसके बाद तब बुआई, मतलब इसका यही एक उपचार है, सॉइल खड़ी फसल में कुछ नहीं। हाँ, सॉइल ट्रीटमेंट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है, एक रोग इसमें और जो है टिप बर्न का आता है। अच्छा। इसके ऊपर की पत्ती जो है झुलस जाती है लाल रंग के होकर झुलस जाती है, और इससे बड़ा नुकसान होता है। ये देखा गया है कि पानी में सिंचाई जो आप कर रहे हैं, जो आपने सिंचाई की बात की थी, क्लोराइड और फ्लोराइड की मात्रा जब अधिक हो जाती है तब ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसमें ये अगर दिखाई पड़े तो प्रयास ये करना चाहिए, पानी की भी जांच अगर हो जाए तो ऐसे सिंचाई से बचना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जैसे कहीं कहीं फूल भी लगने शुरू हो गए हैं तो उनकी तुड़ाई किस परिस्थिति में किस अवस्था में करें? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इससे वेस्ट लाइफ जो है कितने दिन तक तरोताज़ा रखे इस पर निर्भर करेगा। सुबह के टाइम जब ओस लगी रहे तब तेज चाकू की सहायता से स्पाइक का दो पत्ती उसमें लगा हो, और तुड़ाई के समय अब ये आपको ट्रांसपोर्ट कितनी दूर करना है इसका ध्यान देना होगा। नीचे के दो ये पेटल्स जो हैं अगर हल्का सा भी खुल जाए, आपको कलर दिखाई पड़ता है, उसी समय इसका दो पत्ती के साथ कटाई कर लें तेज चाकू से, और इसके बाद इसको रूम टेम्परेचर पर 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर आप ले जा करके नीचे का कटा हुआ सिरा जो है पानी में डूबो करके इसको रखते हैं। अगर आपको वेस्ट लाइफ बढ़ाना है तो ये भी आप ध्यान दें कि अगर ये रूम टेम्परेचर 2.3 से 2.8% है तो एक सप्ताह आप रख सकते हैं। यही टेम्परेचर अगर आप 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो 2 सप्ताह के लिए इसको रख सकते हैं। 20% सुक्रोज में नीचे के कटे हुए भाग को अगर आप रखते हैं तो सेल्फ लाइफ बढ़ती है। तो मतलब इस तरह से अगर वो कटाई के बाद इन प्रक्रियाओं को अपना लें और थोड़ी सावधानी बरत लें तो उनकी सेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी, और उनको बाजार में अच्छा दाम भी मिल जाएगा। और ग्लैडुलस फूल की खेती जिस वजह से उन्होंने की है, जिस लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया, उसको भी अच्छा पाने में उनको सफलता मिल जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, बातचीत करने और जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ किसान भाइयों, हमारा आज का ये एपिसोड यही संपन्न होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।